आज हम लोग चरवा पाड़ा जेपी लाट कॉलोनी के पास हम लोग आ चुके हैं। यहाँ हम लोग देख रहे हैं ट्रांसफार्मर लाइट, अभी टाटा वालों ने इसको टेकअप कर रखा है, इसके पहले वेस्को में था। ये लोग बार बार, यहाँ के लोग इतने परेशान हैं बेचारे, बार बार कंप्लेन कर चुके हैं, करीब 3-4 साल से कंप्लेन कर रहे हैं, नहीं कोई सुनने वाला। क्यों? इनका एक ही डिमांड था कि ट्रांसफार्मर को बैरिकेडिंग कर दिया जाए कि हमारी लाइफ सुरक्षित रहे, बच्चे लोग किस तरह है। आइए अभी आपको दिखाते हैं एक मिनट ये किस तरह ट्रांसफार्मर ओपन है, हर तरफ गच ही गच, यहाँ बच्चे स्पोर्ट्स खेलते हैं, कहीं बॉल नीचे चले जाए तो बच्चों को निकालना मुश्किल होता है, और हर किसी के माँ बाप को डर होता है कि मेरे बच्चे लोग का लाइफ का रिक्स हो सका, जब बॉल जाता है कोई निकालने वाला भी नहीं जाता है, क्योंकि उनको डर होता है अंदर में सांप भी हो सकता है। इलेक्ट्रिक तारे हैं वो भी खुली है, और किस तरह का। आइए मिले यहाँ पर कुछ यहाँ के बासिंदा है, यहाँ के रहने वाले। आइए सर, सर अपन बात। हाँ सर, आपका नाम सर? नरेश्वर साहू। सर आपका नाम? धनंजय गड्डिया। सर आपका नाम? गप्पा। सर आपका? विश्व चक्रवर्ती। अब सर आपका नाम? नीरज लाठ। सर देख सकते हैं हम यहाँ पर कई परिवार हैं, और हर कोई यहाँ पर बासिंदा है, कोई झोपड़ी बन में घर में रहता है तो कोई पक्के घर में रहता है, हर कोई अपनी जान का परिवार का सुख के लिए चाहता है, और ट्रांसफार्मर देखते हुए सबका जान जलते रहता है, कब मेरे साथ क्या आ जाए, कोई भरोसा नहीं कि इलेक्ट्रिक का कोई भरोसा नहीं होता है, एनी मोमेंट में एक्सीडेंट होता है। आज हम सामने सर आपका पूरा परिचय देंगे। रिटायर्ड प्रिंसिपल जीएम कॉलेज का। जी सर, आज ये ट्रांसफार्मर आप यहाँ पर रहते हैं सर, इसके बारे में क्या प्रॉब्लम आपको? ये पूरा खुला रहता है ना, और ये डेंजरस है फॉर पीपल, फॉर पब्लिक, फॉर लिविंग अराउंड। जी सर, बच्चे लोग खेलते हैं। हाँ सर, हाँ। तो आप चाहते हैं इसको बाउंड्री वाल कुछ खतरा है, इसको लिए क्या किया जाए? हम तो बोल सब बहुत बार बोले हैं, लेकिन जल्द से जल्द होना चाहिए। जी सर, आप कितने बार कंप्लेन कर चुके हैं वेस्को में? वो 3 बार गए थे। 3-4 बार कर चुके हैं। थैंक यू। हाँ सर, आप बोलेंगे सर? ये सब तो बच्चे लोग खेल रहे हैं, ये डर पर रहता है, ये बहुत डेंजरस है, तो इसको जल्द से जल्द इसको कुछ ऐसा किया जाए समाधान जैसे दूर हो सके। थैंक यू सर, बहुत बहुत। सर जी आप बोलेंगे? ये भी बोलता हूँ, क्या यहाँ पर इस खुला में यहाँ पर कोई कागज सच हो जाएगा, कुछ होगा, क्या होगा, नहीं होगा, तो यहाँ पर कोई किसका यहाँ गिर जाएगा बच्चे को उनका पैसा में, तो बहुत डेंजरस है, यहाँ बाउंड्री देना जरूरी है। अच्छा, इसके जिम्मेदार इलेक्ट्रिक वाले होंगे, कल कुछ भी होता है तो कुछ भी हो सकता है, तो जिम्मेदार होगा ना, यहाँ पर बाउंड्री जिम्मेदार होगा ना, यहाँ बाउंड्री से उसका अपना रहा, अपने अपना रहे। जी सर, थैंक यू। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। अपन को हाँ अपन रास्ता राज्य खाली अच्छे, और जंगल पत्र शाम को टे जाए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप बोलेंगे? हाँ सर, बाकी तो सब भैया बोल चुके हैं, लेकिन क्या है, जितना पब्लिक यहाँ पर रहते हैं, कम से कम मेरे ख्याल से 300 परिवार रहते हैं ये एरिया में, जिनको ये सप्लाई दिया जा रहा है लाइट यहाँ से। हम लोग कितना बार कंप्लेन कर चुके हैं कि भैया देख लो, आप खुद हालत देख लो भैया, यहाँ का क्या हालत हो रखा है। अभी ये गाय देखो यहाँ पर, अगर वहाँ जाएगा तो क्या होगा इसका? बार बार बोलने के बाद इन लोग सीरियस नहीं हो रहे हैं। आगे 9 महीना हो गया इसको लगे हुए ट्रांसफार्मर को, 9 महीना से आज तक इन लोग एक बार भी झांकने नहीं आए, एक बार कोई देखने नहीं आ रहा है। नहीं, जब खराब होता है तब आते हैं। अब आप हालत देख लो, ये हालत में अब क्या खराब नहीं होगा तो क्या होगा? तो आप चाहते हैं जल्द से जल्द इसका काम, क्रिकेट खेलते हैं, अगर बॉल जाता है वहाँ लेने जाते हैं, कल को कुछ हो गया तो कौन जिम्मेदार होगा? थैंक यू सर, बहुत बहुत नीरज भाई, और आप लोगों को सबको बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग इतनी बड़ी बात बताई, और हम भी टाटा पावर वालों को बोलेंगे, सर आप आइए इसको टेकअप कीजिए, इसको कैसा जल्द से जल्द बाउंड्री वाल होगा या कुछ भी हो, सेफ्टी के लिए कुछ कीजिए। आपकी आवाज़ संबलपुर, जसवीर सिंह की रिपोर्ट। यदि कल कुछ होता है तो हम भी हमारे आपकी आवाज़, तो इसके सारे जिम्मेदारी टाटा वालों को पर आएगी।